कितना खूबसूरत लग रहा है ये सामने देखो लिखा हुआ कितना। वाराणसी जंक्शन पे भीड़ भाड़ ना हो पैसेंजरों की। को याद हो ना तो ये पहली वंदे भारत चलाई गई थी नई दिल्ली से। वाह कितना अच्छा गिफ्ट है। सामने देखो भीड़ देखो कितनी ज्यादा है कुंभ एक्सप्रेस में। सामने आ चुकी है हिमगिरी एक्सप्रेस। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे साबरमती एक्सप्रेस खड़ी और यहाँ पर आ चुकी श्रमजीवी एक्सप्रेस। और आ चुकी है तपती गंगा एक्सप्रेस। यहाँ पे कितना ज्यादा दिक्कत होगा पैसेंजर को क्योंकि। हाँ जी दोस्तों क्या हालचाल, स्वागत कर रहा हूँ आपका वाराणसी जंक्शन से। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही था इतनी सारी ट्रेनों को और हमने सैफरन वंदे भारत के अंदर भी गया था, मतलब उसका अंदर से भी इंटीरियर हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम वाराणसी जंक्शन की कुछ और ट्रेनों को देखेंगे, साथ ही स्टेशन के बारे में और भी चीजें जानेंगे, बाहर भी जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे और प्यार देंगे। यहां पे वंदे भारत खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वैसे दोस्तों अगर आपको याद हो ना तो ये पहली वंदे भारत चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। यहाँ पे सभी के सभी पैसेंजर वेट कर रहे हैं इसके गेट ओपन होने का और भीड़ काफी ज्यादा है इस वंदे भारत के लिए क्योंकि अभी गेट ओपन ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर वंदे भारत का गेट ओपन हो चुका है और सभी पैसेंजर बैठ रहे हैं वंदे भारत में। और स्टेशन पर आपको वन नेशन वन प्रोडक्ट का शॉप भी मिल जाएगा। सामने आप देख रहे हो ना यहाँ से आप गिफ्ट वगैरह ले सकते। यहाँ पर एक भैया मिले हैं ये भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, देख लो सामने वीडियो वगैरह बना रहे। बाकी मैं भी आपको दिखा दूँ, देखो कितना अच्छा गिफ्ट है। सामने देखो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का आपको ऐसा मंदिर जैसा मिल जाएगा। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। बाकी इस और भी है और चलता हूँ आपको इसका भी अंदर से इंटीरियर दिखा दूँ, इंडिया के फर्स्ट वंदे भारत का। तो देख लो दोस्तों कुछ ऐसा इंटीरियर है इंडिया के फर्स्ट वंदे भारत का। लुकिंग देखो यहाँ पे देखो 3 सिटिंग इधर है और 2 सिटिंग इधर है, बाकी देखो इस साइड सामान वगैरह रखने के लिए है। और फुली एसी ट्रेन है आप तो जानते ही हैं। इस साइड देखो एलईडी आपको मिल जाएगा सामने। वॉशरूम वगैरह भी इसके काफी नीट एंड क्लीन होते हैं, कोई शिकायत नहीं होती। इस साइड देख सकते हो आप। तो अभी हम है इंडिया के फर्स्ट वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक। कैसा लगा दोस्तों आपको इंडिया की पहली वंदे भारत का इंटीरियर देख के? चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की ओर, शायद उस कोई ट्रेन आई है। और देख लो दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी वहाँ पर आपको फल मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 6 पे भीड़ दिख रही है पैसेंजर की, लगता है कोई ट्रेन आएगी। भीड़ तो यहाँ पे जबरदस्त, भीड़ देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी ज्यादा है पैसेंजर की, लगता है कोई ट्रेन आने वाली है। दोस्तों मुझे तो ये चीज बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और अब जाके समझ में आ गया कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे भीड़ क्यों था, क्योंकि आ रही है कुंभ एक्सप्रेस जो आ रही है देहरादून से और जाएगी हावड़ा। ये बुधवार को और संडे को नहीं रन करती, बाकी सभी दिन रन करती। मैं आपको इसका अराइवल दिखाता हूँ और जनरल क्लास का भीड़ भी दिखाता हूँ। और इस कुंभ एक्सप्रेस में जनरल कोच पीछे है क्योंकि देखो सभी पैसेंजर पीछे की ओर भाग रहे हैं और भीड़ भाड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है। भीड़ देख लो दोस्तों कितने सारे पैसेंजर इस कुंभ एक्सप्रेस से अपनी यात्रा को समाप्त किए हैं। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है इस कुंभ एक्सप्रेस में। और यहाँ पर आपको गरम गरम छोले चावल भी मिल जाएंगे। चावल छोले खाना बोलो गरम गरम बोलो भाई। जब आप बनारस काशी नगरी आएंगे ना तो आप बनारस को फील करेंगे कि यहाँ पे कितने सारे घाट है और माँ गंगा के दर्शन करेंगे, बोटिंग करेंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे 84 घाट है टोटल और गंगा आरती तो जरूर अटेंड करिए दोस्तों। बाकी काशी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप कर सकते हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और बनारस की एक अलग ही महक है, एक अलग ही खुशबू है जब आप मणिकर्णिका घाट जाएंगे ना। मैंने सोचा ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी तो मैं स्टेशन की वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हम आई बटन पे भी सेट कर देंगे, आप उसको जरूर देखिए। और एक बात और मैं यहाँ से आपसे बोलता भी हूँ कि आप बनारस नगरी काशी तो जरूर आए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं बराबर आया करता हूँ यहाँ पे। दिल्ली से बनारस आप कैसे आएंगे
सबसे सस्ते बजट में भी, वो उसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा था। आप सबके जो कमेंट आए थे ना कि वाराणसी जंक्शन का भी वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा वाराणसी जंक्शन पे तो आना बनता है। बाकी चलते हैं अब बाहर, और बाहर से भी आपको दिखाता हूँ वाराणसी जंक्शन कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है बाहर से, और बाहर से इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। और देख लो दोस्तों, बाहर आते ही आपको यहाँ पे रिटायरिंग रूम भी मिल जाएगा, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और अंदर जाके पता कर सकते हैं। आ चुका हूँ बाहर, और बाहर से वाराणसी जंक्शन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से वाराणसी जंक्शन, ये सामने से व्यू है, और सामने देखो रीडेवलपमेंट हो रहा है वाराणसी जंक्शन का। इस स्टेशन को बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बनाया जाएगा। बाकी सामने देखो आपको हाईवे वगैरह मिल जाएगा, इस ओर देखो कितना अच्छा लग रहा है, और हमारा प्यारा तिरंगा, जय हिंद जय भारत। यहाँ पर देखो दोस्तों एक डेमो के लिए इंजन छोटा सा लगा रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब देखो वाराणसी जंक्शन कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सामने देखो लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना, वाराणसी जंक्शन। और स्टेशन से आप बाहर जाते ये सामने हाईवे मिलेगा, ये वाला जो रोड है ना, और यहीं से आपको ऑटो, ई रिक्शा, कैब, सब चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी यदि आप जाना चाहते हैं गंगा घाट, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। बाकी होटल आपको सस्ते सस्ते और धर्मशालाएं भी मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आप काशी नगरी बनारस में है, तो किसी चीज की दिक्कत नहीं होने लगी। और ये सामने यहाँ पे करंट रिजर्वेशन है, बाकी ये बड़ा सा वेटिंग हॉल कितना अच्छा बना रहा है। और यहीं से देखो प्लेटफॉर्म नंबर एक आपको दिख रहा होगा, सामने वंदे भारत खड़ी है, वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत। और ये सामने देखो फुट ट्रैक भी बना रखा है, बाकी इस और वॉशरूम की भी फैसिलिटी काफी अच्छी बनी है। तो अभी बैठा हूँ वेटिंग हॉल में, और थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, फोन को भी चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि फोन का भी बैटरी कम हो रहा है। जर्नल टिकट के लिए आपको बाहर से ऐसा रास्ता बना है, इस ओर आना है, और ये सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, और इसके अंदर जाना है, यहाँ से आपको जर्नल टिकट मिलेगा। और ये सामने जर्नल टिकट देख लो, काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप जर्नल टिकट ले सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना वेटिंग हॉल, देखो यहाँ भी कितना अच्छा बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के, चार्जिंग के लिए भी बना रखा है सामने देख सकते हो। तो आप यहाँ पे वेट करना चाहे ना तो वेट कर सकते हैं, ये तो फ्री है, बट आप एसी में वेट करना चाहते तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पे मिल जाएगा, उसमें क्या है आपको पे करना पड़ेगा, और आपको एसी वेटिंग रूम भी मिल जाएगा। बाकी थोड़ी देर में चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। चलता हूँ अब प्लेटफॉर्म टिकट लेता हूँ, और बढ़ता हूँ प्लेटफॉर्म पे। एक प्लेटफॉर्म टिकट देना भैया। वैसे टिकट आप चाहें तो वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं, या फिर आप काउंटर से ले सकते हैं, मैंने तो वेंडिंग मशीन से ले लिया है। बढ़ते हैं आप प्लेटफॉर्म की ओर, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट भी ले लिया है, देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनें आ चुकी। और यहाँ पर देख लो दोस्तों हर एक जगह पे वेटिंग हॉल बना रखा है, इस ओर भी वेटिंग हॉल बना रखा है, यहाँ से भी आप सीधा प्लेटफॉर्म एक की ओर बढ़ेंगे। वो ऐसा इसलिए ना, क्योंकि आप तो जानते हैं वाराणसी जंक्शन पे भीड़ भाड़ ना हो पैसेंजरों की, इसी वजह से हर एक जगह पे वेटिंग हॉल बना दिया गया, ताकि भीड़ भाड़ को कम किया जाए। और ये सब दोस्तों पैसेंजर की, यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। और यात्रियों से भी अनुरोध है कि मतलब जो स्टेशन परिसर पे गंदगी वगैरह ना फैलाएं, स्टेशन को साफ सुथरा रखें, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप बनारस नगरी में हैं, मुस्कुराइए। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म एक की ओर, और धूप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितना तेजी से धूप पड़ रहा है। और ये सामने आ चुकी है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि आ रही है हावड़ा से और जाएगी जम्मू तवी। और देख लो भाई, इनको पता नहीं था कि जर्नल कोच कहाँ लगेगा, जिस कारण दौड़ा भागी हो रहा है, क्योंकि जर्नल कोच इसका सबसे आगे है। उस और भी कोई ट्रेन लगी हुई है, देखते हैं अभी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे साबरमती एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो ये है वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस। बाकी ये आगे जर्नल कोच लगा रखा है, और ये सामने वाराणसी रांची सैफरन वंदे भारत को लगाया जा रहा है, और वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस को छोड़ते हैं, देखते हैं अब सैफरन वंदे भारत।
देख लो दोस्तों, इनका तो राज चल रहा है। ये भाई पूरे फुल मौज कर रहे हैं, लगेज के ऊपर सो रखे हैं और एक तो बैठा हुआ है। सामने खड़ी हुई है वाराणसी रांची वंदे भारत, बाकी ये मैंने आपको दिखा ही चुका है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं। चलते हैं आप किसी और प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर आ चुकी श्रमजीवी एक्सप्रेस। और पीछे आ चुकी श्रमजीवी एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया ट्रेन है। इसमें आपको पेंट्री कार भी मिलेगा, ये डेली रन करती है नई दिल्ली से राजगीर के बीच में और राजगीर से नई दिल्ली। अभी मैंने देखा इसके जनरल कोच में बहुत ज्यादा भीड़ था। और इस ओर वंदे भारत खड़ी है, बाकी उस ओर देखिए बेगमपुरा खड़ी है जो जम्मू तवी से आई है वाराणसी जंक्शन तक। और उस ओर देखिए दुर्ग छपरा। मैंने सोचा बीच में दो मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसको भी आपको दिखाई दूं, कोयले वाली गाड़ी है। और वहां पर देखिए सारनाथ एक्सप्रेस खड़ी है दुर्ग से जो छपरा की ओर चलती है। और इस वंदे भारत का क्रेज अभी तक है, लोग सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं, वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं। और उस ओर तो बेगमपुरा एक्सप्रेस खड़ी हुई है, बाकी इस ओर रांची वंदे भारत खड़ी है। जा चुकी है वंदे भारत, बाय बाय वंदे भारत। वंदे भारत जा चुकी है, अब इसी वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी तप्ती गंगा एक्सप्रेस। तो अभी थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही तप्ती गंगा एक्सप्रेस जो कि छपरा से चलती है और गुजरात के सूरत के बीच में। ये गाड़ी सोमवार और वीरवार को छोड़ के बाकी सभी दिन चलती। तो मैं आपको उसका कंडीशन दिखाता हूँ क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है, खासकर जनरल कोच में। और जो सामने भीड़ ये है तप्ती गंगा एक्सप्रेस की भीड़, बाकी इस ओर भी क्योंकि जनरल कोच आगे ही लगेंगे ना, इसीलिए भीड़ तो है इस तप्ती गंगा एक्सप्रेस के लिए, इस तरफ भी और आगे भी। और आ चुकी है तप्ती गंगा एक्सप्रेस। और देख लो दोस्तों यहाँ पे कितना ज्यादा दिक्कत होगा पैसेंजर को, क्योंकि देखो आगे फर्स्ट एसी का कोच है, शायद जनरल कोच उस ओर है या फिर पीछे की ओर, जिस वजह से देख लो कैसे पैसेंजर भाग रहे हैं इधर से उधर दौड़ रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊं अब। और ये वाली ट्रेन अपना रेक शेयर करती है सूरत भागलपुर से। दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार डिस्प्ले में दिखाता कुछ और है और एक्चुअल में रैक वगैरह कुछ और होता है, जिस वजह से पैसेंजर को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खासकर जनरल कोच में। वैसे भी ज़्यादातर सोचते आगे होता है या पीछे, बट किसी किसी ट्रेनों में या तो आगे दे देते हैं या तो पीछे। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को वाराणसी जंक्शन की ये वाली वीडियो, जिसमें हमने वाराणसी जंक्शन पे जो भी ट्रेनें आ रही उसको कवर किया, कोशिश किया कि सुपर फास्ट और प्रीमियम ट्रेनों को कवर करने की, बाकी बाहर के भी दृश्य मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पसंद किया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। दोस्तों चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों आप तो जानते हैं हम हैं वाराणसी काशी नगरी, तो मैं आपको थोड़ा सा ना गंगा घाट का भी दृश्य दिखाऊंगा। बाकी इस चैनल को आप दोस्तों सपोर्ट और प्यार दीजिए, जल्दी से जल्दी हम बड़े बड़े स्टेशनों के बारे में भी बताएं और आपको ट्रेनों दिखाएं, साथ ही एक से एक जर्नी करें।